वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, नई जानकारी, नया एक्सपीरियंस, नई नॉलेज लेके कि दोस्तों जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स वाले होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने के जो तरीके होते हैं उनमें हमको क्या मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना चाहिए या खुद की वेबसाइट बना के बिजनेस करना चाहिए, ज़्यादा फायदा किस में होता है। ठीक है, मार्केट प्लेसेस जैसे हो गए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, स्नैपडील, मिंत्रा, जबोंग, ये सब हो गए, या होलसेल वेबसाइट्स हो गई, वो मार्केट प्लेसेस कहलाते हैं। और ऑन वेबसाइट मतलब हम खुद की वेबसाइट बनवा के उस पर अपने प्रोडक्ट अपलोड करवा के फिर उसको कैसे आगे बेचते हैं, तो ये दो तरीके होते हैं। कई लोग सिर्फ मार्केट प्लेस पर करते हैं, कई लोग सिर्फ खुद की वेबसाइट होते हैं, कई लोग दोनों पर मैनेज कर लेते हैं। दोनों पैसे किस पे बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वीडियो में समझेंगे। आज हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है ऐसे जिसके आधार पे हम ये एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हम बात करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, हर पैरामीटर्स पे अपन ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या खुद की वेबसाइट बनाकर बिजनेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहला पैरामीटर होता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है दोस्तों, मार्केट प्लेसेस पर आप बिजनेस करते हो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट पर बेच रहा हूँ या मीशो पर बेच रहा हूँ, तो मेरे जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद की वेबसाइट पर बेचता हूँ, ऑन वेबसाइट पर अगर कोई अपना माल बेचता है तो वहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो अपने हिसाब से उस वेबसाइट पर सिर्फ उसी बंदे के जिसने वो वेबसाइट बनवाई है, जिसने हमने प्रोडक्ट अपलोड किया, सिर्फ उसी के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। बिकेंगे तो भी वो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो भी वही नहीं बिकेंगे। ठीक है, जबकि मार्केट प्लेसेस में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। दूसरा पैरामीटर होता है फ्रॉड चांसेस इन द आईज ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नज़र में फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा कहाँ होते हैं दोस्तों? इसमें फ्रॉड के चांसेस मार्केट प्लेस में कोई बिजनेस करता है वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि ऑन वेबसाइट में क्या होता है कि कोई भी इंसान कोई भी लिंक क्रिएट करके जब कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होके उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा, वहाँ पर वो बेच देगा, पैसा ले लेगा पेमेंट गेटवे के थ्रू, माल नहीं भेजेगा। इस तरह से फ्रॉडुलेंट लिंक क्रिएट किए जा सकते हैं। ट्रस्ट इशू में क्या है कि ट्रस्ट इशू के मामले में मार्केट प्लेसेस एक बेटर जगह है रैदर देन ऑन वेबसाइट। तीसरा पॉइंट होता है रिटर्न पॉलिसीज। रिटर्न पॉलिसीज में क्या होता है, मार्केट प्लेसेस पर दोस्तों अनावश्यक रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं। ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा, और जो नहीं करते और करना चाहते हैं फ्यूचर में, मैं बता रहा हूँ, मार्केट प्लेसेस पर आप बिजनेस करते हो बहुत सारे रिटर्न, 20-25% रिटर्न तो आप मान के चलना, साइज इश्यू या बहुत सारे इश्यूज की वजह से अनावश्यक रिटर्न बहुत आते हैं। फिर उसमें क्या होता है, कस्टमर ने रिटर्न क्यों किया, तो कस्टमर से बात करने का कोई डायरेक्ट मीडियम भी नहीं होता, बीच में वेबसाइट वाले होते हैं, तो वेबसाइट वालों को कन्वे करना, फिर वेबसाइट वाले ये मतलब मार्केट प्लेस वाले फिर कस्टमर से बात करना, तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड लेंथी प्रोसेस होती है। ऑन वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट आप कस्टमर से टच में रहते हो, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, हर चीज़ आप उससे टच में रहते हो। यहाँ पर आप ये जो रिटर्न पॉलिसी है इस मामले में बेटर रहता है ऑन वेबसाइट। चौथी चीज़ होती है दोस्तों लॉजिस्टिक सिस्टम। लॉजिस्टिक सिस्टम मार्केट प्लेसेस का खुद का एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, उनके टाइप होते हैं विद कुरियर कंपनी से। ठीक है, उनका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उनका एक मार्केट प्लेसेस का एक पूरा ब्यूटीफुली डिजाइन सिस्टम होता है, लेकिन ऑन वेबसाइट में हम खुद को ये सब टाइप करने होते हैं। जैसे मैंने जब 2015 में मेरी वेबसाइट शुरू करी थी, जो कि बाद में नहीं चल पाई थी, मुझे बंद करनी पड़ी उस पर बिजनेस करना, उसके क्या रीज़न थे वो अलग किसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैंने टाइप किया था डीटीडीसी या ट्रैकऑन, शायद डीटीडीसी से किया था अपने टाइप। तो मेरे ऑन वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर आते थे मैं डीटीडीसी के थ्रू ही भिजवाता था। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों रेवेन्यू की क्लैरिटी। इसमें मार्केट प्लेसेस पे जब बिजनेस करते हो तो ये मैंने कई बार मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने कई वीडियोज़ में भी शेयर करी है ये चीज़ की मार्केट प्लेसेस पर आपने कितना माल भेजा, कितना पैसा मार्केट प्लेस ने आपको दिया, कितना माल लोगों ने रिटर्न किया, तो उसका पैसा होल्ड करके रखा कंपनी ने। ठीक है, कितना पैसा कंपनी ने पेनल्टीज के डिडक्ट किए, तो वो हिसाब कभी समझ में नहीं आएगा, कभी बहुत टफ होता है, बहुत कभी समझ में नहीं आता। लेकिन तो ये रेवेन्यू की क्लैरिटी मार्केट प्लेसेस में नहीं होती है, जबकि ऑन वेबसाइट पर अगर आप बिजनेस करते हो वहाँ पर माल आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत हद तक क्लियर होती है चीज़ें कि कितना पैसा आया, कितना माल भेजा। ये चीज़ इस चीज़ के मामले में ऑन मार्केट प्लेस ज़्यादा बेटर है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों ब्रांड क्रिएशन। दोस्तों ब्रांड क्रिएशन के लिए आपको तो ऑन वेबसाइट पर ही काम करना पड़ेगा, वहां से आपका ब्रांड क्रिएशन होगा, वहीं से आपको एक अलग पहचान मिलेगी, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। मार्केट प्लेसेस पर अगर आप सेल करते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पर आप सेल करते हो, तो वहां पर मतलब जैसे मैंने मेरी लाइफ का पहला कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया था 2011 में किया था शायद 2011 में, कुछ लैपटॉप का कुछ कवर मंगवाया था मैंने, कोई टाइगर की फ़ोटो थी तो वो लैपटॉप के जो कवर उसके ऊपर कवर हो जाता, वो पेस्ट हो जाता था, वो मंगवाया था मैंने। तो मुझे लगता था फ्लिपकार्ट से मंगवाया। दोस्तों मुझे कहाँ से मंगवाया, फ्लिपकार्ट से। मुझे लगा फ्लिपकार्ट की कोई दुकान होगी तो वहाँ से मंगवाया होगा। तो आज भी कई लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने मीशो से मंगवाया, मैंने अमेजोन से मंगवाया, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो इसलिए ब्रांड क्रिएशन कि ठीक है मैंने पर्टिकुलर ब्रांड से मंगवाया है, तो उस आपकी कंपनी के नाम को या आपकी वेबसाइट के नाम को या आपके ब्रांड नेम को लोग पहचाने, उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट पर सेल करना पड़ेगा, तो आपका ब्रांड क्रिएशन जल्दी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कस्टमर बेस। कस्टमर बेस किसका ज़्यादा बड़ा? कस्टमर दोस्तों मार्केट प्लेसेस का कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, करोड़ों कस्टमर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो उस मार्केट प्लेस के नाम को पहचानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, मीशो को जानते हैं, अमेजोन को जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बिजनेस करोगे तो वहाँ पर फास्टली लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। ऑन मार्केट प्लेस में या ऑन वेबसाइट में दिक्कत कहाँ आती है कि लोग आपकी वेबसाइट का नाम नहीं जानते, आपके ब्रांड का नाम नहीं जानते, लोगों को शक डर रहता है कि ऑर्डर करेंगे तो कहीं कोई फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कस्टमर को खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो पेड प्रमोशंस, गूगल एडवर्ड्स, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है वो डिजिटल मार्केटिंग है, वो अलग दुनिया है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट्स की रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है, गूगल पर आपकी वेबसाइट को रैंक में लाना, ये आपके प्रोडक्ट्स को रैंक में लाना। तो ये एक अलग वेबसाइट, ये अलग दुनिया है, अलग एक अलग सेगमेंट है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर मार्केट प्लेसेस बहुत कम पैसा खर्च करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो इस मामले में मार्केट प्लेसेस ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों चेंजेस इन पॉलिसीज। मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये जो जितने मार्केट प्लेसेस हैं इनमें क्या होता है कि हर महीना दो महीने में कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आते रहते हैं, कभी कमीशन से रिलेटेड चेंजेस आ गए, कभी कुरियर से रिलेटेड, कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों में ये जो चेंजेस आते हैं आपको काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ता है। लेकिन जो ऑन वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट पर आप अभी बिजनेस करो तो वहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है, जो आप चाहो वही पॉलिसी है, क्योंकि आपका खुद की वेबसाइट है, आप खुद अपने हिसाब से बेच रहे हो, जो आप चाहो वो पॉलिसीज है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज में, मार्केट प्लेसेस में पॉलिसीज में चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कमीशन। मार्केट प्लेसेस पर आप बिजनेस करें तो आपको कमीशन देना पड़ता है, आपको 20% तक कई प्रोडक्ट्स पे, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग एक कैटेगरी बनी होती है कि इस प्रोडक्ट पे मार्केट प्लेस वाले इतना परसेंट कमीशन लेंगे, 10, 15, 20, तो कई कैटेगरीज, कई प्रोडक्ट्स पर 20% तक कमीशन आपको देना पड़ता है मार्केट प्लेसेस पर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये जो मार्केट प्लेसेस है इन पर। जबकि ऑन वेबसाइट में आपको कोई कमीशन नहीं देना, शुद्ध रूप से पूरा पैसा आपका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेमेंट साइकिल। पेमेंट साइकिल के मामले में दोस्तों क्या होता है कि मार्केट प्लेसेस का जो पेमेंट साइकिल होता है वो काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू ऑन वेबसाइट, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसमें टाइम लगता है आपके पास पैसा आने में इन कंपेरिजन टू ऑन वेबसाइट। ऑन वेबसाइट में इमीडिएट या फास्ट आपका पैसा आ जाता है आपके हाथ में, आपने माल भेजा, कस्टमर ने पैसा दिया वहाँ पर, या प्रीपेड था जो भी था, तो यहाँ पर फास्ट पैसा आता है। मार्केट प्लेसेस में कुछ देर तो होल्ड रहता है पैसा, बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके, वो जस्टिफाई करने लायक होते हैं वो रीजन्स, तो उसमें पेमेंट साइकिल काफ़ी लंबा होता है मार्केट प्लेसेस में। तो ये इस तरह से ये 8-10 पॉइंट्स थे, 8-10 पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश करी है कि ऑन वेबसाइट पर बिजनेस करने का क्या फ़ायदा है और मार्केट प्लेसेस पर बिजनेस करने का क्या फ़ायदा है। ये नहीं कह सकते कि ऑन वेबसाइट पर बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है या मार्केट प्लेसेस पर बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है, या इस पर नुकसान होगा या इस पर नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। कई पैरामीटर्स में मार्केट प्लेसेस बेटर हैं और कई पैरामीटर्स के आधार पे ऑन वेबसाइट बेटर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।